अहमद क्या कहेंगे इस पे? देखिए पहले मैं थोड़ा सा फखर पे बात करूं यार, इकबाल भाई ऑनेस्टली सब भाई हैं, लेकिन कभी भी दिल नहीं करता है कि किसी के बारे में कोई भी बात करें, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, तो वो फैक्ट्स सामने लेके आना बहुत जरूरी होते हैं। इट्स नथिंग के उसका मेरा कुछ ये है या मेरी स्पोर्ट है, लाइक आई एम ऑल फॉर इट यार, मैं कभी जिंदगी में नहीं, लेकिन दोनों का ट्रेड एक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वन डाउन उनकी पोजीशन नहीं है। क्यों 35-40 मैचेस में परफॉर्मेंस ना होना, देखें मैं आई एम ऑल फॉर सपोर्ट, मैं समझता हूं कोई अच्छा बैट्समैन होता है तो उसको आपको बैक, लेकिन अगर आप 20 से 25 मैचेस में आप अपने उस रिदम में नहीं आ रहे और टीम को मैचेस जितवा के नहीं दे रहे, इंजरी पे क्या कहेंगे? क्या इंजर्ड फखर जमान को लेकर जाना ठीक था? शाहीन आफरीदी की फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्या कहेंगे मेडिकल पैनल, क्या कर रहा है पीसीबी? देखिए इकबाल भाई मुझे नहीं पता कि उनकी इंजरी की नवयत क्या थी, क्या भाई सेम इंजरी है जो उन्होंने दोबारा पकड़ी है या कोई नई इंजरी हो गई है पिछले मैच में, ये अगर आप मुझे कंफर्म करेंगे, अगर तो वो इंजर्ड थे और उसी इंजरी के साथ वो उन्होंने चांस लिया वर्ल्ड कप के अंदर कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर वो वही इंजरी दोबारा एग्रीएट हो गई है, सो आई थिंक दैट इज रियली बैड।